सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार कि दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान आप लोग अपना अपना जात मत लिखाइए जनगणना में हिंदू लिखवाइए लीक थी वो अपील कर रही थी मुसलमानों से कि आप लोग अपनी बिरादरी मत लिखवाइए मुसलमान लिखवाइए इस्लाम हिंदू की राजनीति करते हैं और जो मुसलमान की राजनीति करते हैं दोनों इस जनगणना से डरते हैं और ये मौका मिलता है तो ये एक साथ सरकार भी बना ले आर्थिक जनगणना कराइए 1948 के कानून के मुताबिक कराइए जाति जनगणना कराइए उसमें भी हमने ये मांग रखी है ये मांग हमारी अव्वल मांग बुजुर्गों दोस्तों इस बार बहुत लोगों को उम्मीद थी आप लोगों में से बहुत लोग हैं होंगे उनको उम्मीद थी कि भाई पिछली जनगणना तो या कहिए 1931 के बाद कोई जनगणना जाति जनगणना नहीं हुई तो इस बार तो एक ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं और मंडल कमीशन से लेकर के मंडल कमीशन छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक कई बार ये कह चुका है आरक्षण के मामलों की सुनवाई के समय कि भाई कोई डाटा नहीं है जातियों का और आरक्षण को लेकर उलट फेर होते रहता है तो ये इसको लेकर के वो टिप्पणी करता रहा है कोर्ट भी तो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि दलित राष्ट्रपति हैं ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं भले प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो अपनी बिरादरी को उन्होंने ओबीसी में शामिल करा लिया दूरदर्शी आदमी हैं और हम लोग भी कम दूरदर्शी नहीं हैं कि इस तरह की दूरदर्शिता को समझ नहीं पाते तो फिर भी उम्मीद थी बहुत लोगों को हमारे जैसे लोगों को उम्मीद नहीं थी तो उसका तो नतीजा देख लिया आपने कि उन्होंने साफ मना कर दिया पिछली सरकार ने भी यूपीए 2 की सरकार यूपीए 1 की सरकार या इतने सालों की जो सरकारें रही हैं केंद्र में उन्होंने भी इसको नहीं माना था मैंने 18 दिसंबर 2009 को जबकि 2011 में जनगणना होने वाली थी तो इस सवाल को मैंने पार्लियामेंट में राज्यसभा में इस सवाल को उठाया था आपको हैरत होगी कार्रवाई देखिएगा तो मालूम पड़ेगा कि मेरी आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ बनकर साबित हो गई मैंने जब इस सवाल को उठाया तो एक भी हमारे माननीय ने उसका समर्थन नहीं किया और लोगों से नहीं लेकिन मेरी शिकायत ये ज़रूर है कि उसमें शेड्यूल कम से कम ओबीसी के तो बहुत लोग हिंदू मुसलमान मिला करके बहुत लोग सांसद होंगे और पता नहीं कि लोगों ने समझा नहीं या समझ करके भी उनके नेता का उनकी पार्टी का कोई पहले से निर्देश नहीं था तो उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया हाथ उठाना होता है सेकंड करना होता है कि भाई हम इसको सेकंड करते हैं
वो भी दर्ज हो जाती है पार्लियामेंट की कार्रवाई में। नहीं किया, अगले साल 2010 में। और एक बात और कह दें कि उस समय सरकार का जो जवाब था उसने भी ठीक वही जवाब दिया जो अभी मोदी जी की सरकार में दिया कि ये हम नहीं कराने वाले। उन्होंने भी कहा कि ये संभव नहीं है, हम नहीं कराएंगे। तो लेकिन ये इसी सवाल को कुछ लड़के इस अभियान में लगे थे नौजवान, तो वो लोग गए और इसके लिए कंपेन किया, लालू जी के यहाँ गए, मुलायम सिंह जी के यहाँ गए, शरद यादव जी के यहाँ गए। उन लड़कों ने बताया हमको आ करके, और उस समय ये तीनों लोकसभा के मेंबर थे, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। इन लोगों के यहाँ गए और कहा कि भाई राज्यसभा में इन्होंने, बल्कि उनकी जबान में हम कहें तो कहा कि भाई एक मुसलमान ने उठा दिया एमपी ने, आप लोग भी उठाइए। बहरहाल वो लोग तो पुराने समाजवादी हैं, सभी समझते ही हैं, और समझ करके 2010 के मार्च महीने में ये सवाल को उन लोगों ने उठाया लोकसभा में। और जब इन लोगों ने उठाया तो बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उस समय थे, महाराष्ट्र के ओबीसी के नेता थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, और एक साथ ये एक समवेत आवाज उठी। तो एक कंसेंसस बन गया पार्लियामेंट के अंदर कि भाई सभी दल के लोग, ओबीसी के लोग और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग तो थे ही समर्थन में, ये लोग इस मामले में हैं कि इतना कर देते हैं कि ये लोग, इन लोगों ने भी समर्थन किया। हालांकि इन लोगों की शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की गिनती पहले से होती है, अलग अलग कास्ट की बुनियाद पर नहीं होती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर गिनती होती है, मुसलमानों की भी गिनती होती है। तो मुसलमान का अलग मामला है, हम उस पर आएंगे। तो ये सवाल एक कंसेंसस बना, लेकिन वो सवाल में पेच ये लगा, और पेच लगाने वाले नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो उस समय के मंत्री ही थे, अभी तो एक उसमें से राज्यसभा में भी आ गए, बल्कि दोनों राज्यसभा में एक पहले से हैं। उन लोगों ने जो पेच लगाया तो उसको जो जनगणना के लिए पार्लियामेंट का एक एक्ट है 1948 का, उस एक्ट से डिलिंक करके उसकी जनगणना करा दी। तो वही ढाक के तीन पात। और दूसरी ये हुई कि उसको अनस्किल्ड लोगों से कराया, उसमें एनजीओ को लगा दिया उस काम में, उसमें और दूसरे लोगों को लगा दिया, तो उसका कोई नतीजा नहीं आया यूपीए के समय भी। और जब ये गड़बड़ हो रहा था तब फिर हमने 9 दिसंबर 1911 को भी ये सवाल राज्यसभा में हमने उठाया था, लेकिन नतीजा जो होना था हुआ, और उसकी कोई ये उसका डाटा रिलीज नहीं हुआ। हम लोगों ने यहां तक कहा कि भाई जो भी गलत सही डाटा है उसको रिलीज कीजिए, देखें तो सही। अरे बच्चा मां के पेट में होता है,
लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, अधमरा हो, मरा हो, आखिर वो बाहर तो आता है, तो ये बाहर तो आवे लेकिन उसको नहीं बाहर किया गया। ये सरकार आ गई। ये सरकार जब इस साल जनगणना का समय आया तो हम लोगों ने पिछले साल से इस अभियान को हमने शुरू किया सबसे पहले कि भाई इसको ये है। प्रोफेसर रतनलाल जी गवाह हैं, हमने करीब 12 साल पार्लियामेंट में रहने के बाद मंत्रियों को बुला सकते थे, अधिकारी को, हम लोगों ने नहीं बुलाया कि भाषण करके आएंगे और इस अभियान में नहीं लगेंगे, उनको बुलाने से कोई फायदा नहीं है। तो प्रोफेसर रतनलाल जी जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग और विभिन्न 17 संगठनों के लोगों को हमने बुलाया और हमने एक बुकलेट छपवाई। ये वो बुकलेट है, हमारे पास जाते होता तो हम दे देते आप लोगों को। तो हमने, चूंकि हमारा संगठन जो ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज है, आजकल पसमांदा मुस्लिम महाज की बड़ी चर्चा है, उस पर भी मैं आऊंगा। अब इस देश के प्रधान सेवक के सर पर वो चढ़ गया है, सब उसके बारे में भी थोड़ी बात मैं करूंगा। तो हमने उसमें जो छपवाया, आप देख लीजिए, इस पर लिखा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। एक नारा दिया, दूसरा हमने नारा दिया कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। और ये बुकलेट छपवा करके जनगणना क्यों जरूरी है, इसका हमने कहा किया। अब सबका, सारे ओबीसी का तो पूरा मोटा किताब हो जाती, तो जितना हमारा सामर्थ्य था अपने संगठन के तरफ से एक पतली सी, पतला सा बुकलेट छपवाया। हमने इसमें लिखा कि ओबीसी के अंदर में, अब ओबीसी में भी एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, हमारे बिहार में ओबीसी में एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है, तो सब जातियों का नाम हमने इसमें दिया और इसमें लिखा ओबीसी के, ये कई संगठन है, वी दी पीपुल, ओबीसी फ्रंट, और ये क्या है, एक और संगठन आप बता रहे थे, पैगाम, इन सब लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि इसके लिए बिहार में भी जो संगठन हैं, अभी तो बिहार में जनगणना हो रही है, तो इसके लिए जन जागरण का ठीक किया कि अभी से देश भर में नहीं हुआ लेकिन माहौल बनाना पड़ेगा। बिहार का इतना ही मतलब है कि एक देश भर में उसका माहौल बनेगा, इस मामले में वो पॉजिटिव है। तो और लोग भी इसके लिए, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो मंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि एक अपवर्ड मोबिलिटी, अपने को ऊंची जात कहने का एक ये भी है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर भी, मुसलमानों के अंदर में भी है, हाँ ओबीसी, लेकिन अपने को शेख लिखेंगे, अपने को खां साहब लिखेंगे और लिखवाएंगे तो उनकी गिनती चली जाएगी, दूसरे पहले में चली जाएगी। तो इसी तरह से कई जो ओबीसी के लोग भी हैं उनके अंदर भी एक प्रवृत्ति है, एमएन श्रीनिवासन का प्रोफेसर साहब बताएंगे, अपवर्ड मोबिलिटी उसको कहते हैं, ऊंचा जात बनने की ललक, तमन्ना, जनेऊ पहन करके। हमारे मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में, ये हम समझते हैं कि 1927 वगैरह की बात होगी,
या प्रोफेसर साहब ठीक से बताएंगे कि जनेऊ पहनने में पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हो, कोयरी कुर्मी जाति के लोग पचासों की संख्या में मार दिए गए। उनको शौक उभरा था कि हम जनेऊ पहन करके ऊंची जात बन जाएंगे। तो इस तरह से गिनती कराने में भी ये सावधानी ये होनी चाहिए। तो हमने मुसलमानों के बारे में ये किया। आप देखिए बिहार की में जो गणना हो रही, जनगणना हो रही है, वो एक तरह से सर्वे है, वो जनगणना नहीं है। जनगणना तभी होगी जबकि 1948 के कानून के मुताबिक होगी, पूरे देश में होगी और एक स्टेट कराएगा तो एक माहौल जरूर बनेगा, लेकिन उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी और वो पूरे देश में और सेंट्रल सर्विसेज में और दूसरी जगह लागू नहीं होगा। लेकिन उस उतना भर भी पॉजिटिव है और हम लोगों को इसलिए थोड़ी उम्मीद, हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीद बनी कि भाई नीतीश कुमार जी जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं वो भी मांग कर रहे हैं। शिवसेना की सरकार अब तो नहीं करेगी, बदल गई वहां सरकार, वहां की सरकार भी कह रही थी कि करा। तमिलनाडु की सरकार स्टालिन साहब भी कह रहे थे, झारखंड की सरकार भी कह रही थी, कई और फिर कई पॉलिटिकल पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, सपा बसपा, फिर आपको कांग्रेस, ये सब हो गई थी, हो गए थे तैयार। और ओबीसी प्रधानमंत्री तो एक उम्मीद बनी थी, उनके प्रधानमंत्री होने से तो ओबीसी का होने से तो नहीं, लेकिन इन पार्टियों के सबके आवाज उठाने से हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। कारण क्या है? हम समझते हैं कि बहुत सारे कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि अभी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति हो रही है, मजहबी गोलबंदी की जो राजनीति सियासत हो रही है, उस गुब्बारे में छेद हो जाएगा। इतना तो हमको पक्का, आप मानिए कि उस गुब्बारे में छेद हो जाएगा। ये जानते हैं कि जब ही जाति का सवाल उठेगा पूरे देश में तो हमारा धर्म का की गोलबंदी का सवाल सेकेंडरी हो जाएगा, एकदम खत्म तो नहीं होगा लेकिन सेकेंडरी हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं करा रहे हैं, एक ये भी डर है। अब देखिए इसमें जब 1931 की जनगणना से काम चलाते हैं हम लोग सब लोग, लेकिन 41 में जाति जनगणना 41 में भी हुई थी, होने वाली थी, शुरू हो गई थी 1941 में, लेकिन उस जनगणना का नतीजा इसलिए नहीं आ सका कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय छिड़ गया, तो इसलिए उस जनगणना का परिणाम नहीं आया। लेकिन मैं जब मसावात की जंग लिख रहा था, उसके लिए रिसर्च कर रहा था, यहाँ तीन मूर्ति लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया था पटना से, तो हमको दो बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला अखबारों के जरिए। वो इंफॉर्मेशन मिला कि जो हिंदू महासभा थी 1941 में, आजादी से पहले, वो अपील कर रही थी हिंदुओं से कि आप लोग अपना अपना जात मत लिखाइए जनगणना में, हिंदू लिखवाइए, वो ये अपील कर रही थी। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग थी, वो अपील कर रही थी मुसलमानों से कि आप लोग अपनी बिरादरी मत लिखवाइए, मुसलमान लिखवाइए, इस्लाम लिखवाइए। तो जो हिंदू की राजनीति करते हैं और जो मुसलमान की राजनीति करते हैं, दोनों इस जनगणना से डरते हैं।
और ये मौका मिलता है तो ये एक साथ सरकार भी बना लेते हैं। इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है, बीजेपी का और ओवैसी साहब जैसे लोगों का आपस का कोई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए भाइयों, हम एक बात कह करके मैं इसको खत्म करूंगा, और वो एक बात ये है कि इधर आपने देखा होगा, हम तो 96-97 से पसमांदा शब्द हमने चलाया, इसीलिए चलाया कि एक शब्द हो, पसमांदा जो शब्द है वो रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। पसमांदा नाम की कोई मुसलमानों में कोई बिरादरी नहीं है, पसमांदा नाम का कोई धर्म नहीं है, पसमांदा हम उर्दू में कहेंगे, फारसी में कहेंगे, तो यहाँ सब पसमांदा बैठे हुए हैं। पसमांदा माने जिसको पीछे ढकेल दिया गया, बस उर्दू का शब्द है और एक शब्द है। अब इस शब्द की इतनी ताकत होती है कि अब प्रधानमंत्री के सर पर ये चढ़ गया है और बोल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई पसमांदा के लिए इतना अचानक जो आपके दिल में मोहब्बत उमड़ गया है, तो स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। अब इनकी पार्टी स्नेह यात्रा निकालेगी, ये तो ये स्नेह यात्रा और नफरत की यात्रा दोनों साथ कैसे चल सकती है? आपके नेता, आपके मंत्री, आपके आप खुद भी, आपके गृह मंत्री जी खुद भी इस तरह की बात बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा पिछले विधानसभा, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय में, कपड़ों से पहचानने की बात की। ये किसी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि बटन इस तरह दबाओ, यहां दबाओ कि करंट लगे शाहीन बाग। इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जमीन में गाड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ। तो हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि हमारे ओबीसी के भाई, हमारे दलित भाई, बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई, ये टोकनिज्म करके राष्ट्रपति बना दिया प्रधानमंत्री दलित को, वो रिटायर किए तो फिर आदिवासी एक और उसमें भी महिला को बना दिया, अच्छी बात है बना दिया, लेकिन क्या ये लोग समाज के लिए, ये लोग अपने समाज के लिए कभी लड़ने वाले लोग भी रहे हैं? क्या ये आगे लड़ेंगे भी? तो उसी तरह से अब अच्छी पैठ उधर बनाने के बाद अब इधर दुरुख किए हैं, जो हैरत होती है कि मुसलमान का नाम, पसमांदा मुसलमान का नाम ले रहे हैं। तो आप लोग उसमें मदद कीजिए, अब इधर भी, अब इधर का खेत चरने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, अकेले हम लोग उसका मुकाबला नहीं करेंगे। पसमांदा सब हम लोग जो चलाए हैं वो हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा सबके लिए है, सिख, बुद्धिस्ट सबके लिए है, ईसाई सबके लिए है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने जो उनको कल एक इस बारे में एक हम एक जारी भी करेंगे दस्तावेज, इसीलिए वरना कल हम आपके यहाँ भी आते, लेकिन कल नहीं आएंगे। उसमें हमने ये मांग रखी है, न सिर्फ ये मांग रखी है कि अगर सही में आप पसमांदा के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर गृह गोरक्षा के नाम पर, घर वापसी के नाम पर आप बुलडोजर भी चलेगा और आप पसमांदा पर
पसमांदा पर मॉब लिंचिंग भी होगी और आपका आप पसमांदा की स्नेह यात्रा भी निकालेंगी। ये ढोंग को समझना पड़ेगा और हम लोगों से ज्यादा आप लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आप लोग भी समझें और दूसरे को भी समझाएं। दूसरी बात उसमें हमने कही है कि आप अगर पसमांदा का भला चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि नफरत वाली बात छोड़िए और जाति जनगणना कराइए, सामाजिक आर्थिक जनगणना कराइए, 1948 के कानून के मुताबिक कराइए, जाति जनगणना कराइए। उसमें भी हमने ये मांग रखी है, ये मांग हमारी अव्वल मांग। तो आपसे गुजारिश है कि इस मामले का जैसे दूसरे मामलों का सेंटिमेंट का दूसरे मामलों का ये इस्तेमाल करते रहते हैं, इस मामले का भी हम लोगों को आपस में लड़ा करके इसका भी इस्तेमाल करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से वो कदम उठाए हैं जिसको जिसको हम लोग समझ रहे हैं। और भी आप लोगों के भी मदद की इसमें गुजारिश है ताकि आप लोग भी इस इनके जो नया पासा फेंका है इसको आप लोग समझें और दूसरे आपके अड़ोस पड़ोस में जो मुस्लिम भाई हैं पसमांदा खास करके उनको भी आप समझाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।